देखो पिछली बार वाली एक टी शर्ट आई थी वो आपने छीन ली थी, इस बार फिर आई है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी फेवरेट है। कैसे हो सम्राट हो? हाँ, ठंड बहुत है। देखो मेरी ठंड जो है वो ये हीटर दूर कर रहा है, लास्ट टाइम लिया था मैंने, अभी तक मस्त काम कर रहा है। मैं आज जो है ना आईफोन से शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि जो ग्लिच वाली प्रॉब्लम है ना, हमने उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है और पता चला है जिन कारणों की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो गलती है वो आईफोन वालों की है और अडोब वालों की है। तो ये दोनों जो है ना आपस में लड़े हुए हैं और समस्या हमको आ रही है। ठंड बहुत है लेकिन अगर एक चीज दिखाऊंगा ना तो आपको हंसी आ जाएगी। बाहर पड़ रही है कड़ाके की धूप, कमरे में ठंड लगती है बस। वो दिख रहा है टंकी में खजाना सफेद नमक। ये ना ग्वालियर का पानी खराब है, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा कैल्शियम है ना कि टंकी में 10-10% व्हाइट कैल्शियम जमा हुआ है और ये हमको है ना सिर्फ सर्दियों में ही याद आती है इसकी, पता है क्यों? ये गीजर जो है ना ये लॉक हो गया था पूरा, और पता है आपको इसके अंदर से ये निकला है गीजर में से। वी आर इंडियंस, अगर आपने हुडी अभी तक नहीं ली है तो जाके ले लीजिए, बहुत शानदार हुडी है, बहुत कंफर्टेबल है, थोड़ा तो ऐड बनता है, कौन करेगा वरना। हुडी की क्वालिटी की गारंटी मेरी है। बाबा ना लिया आपने है? ना लिया आपने? उधर मुंडी घुमाना जरा, कहाँ पिट के आए? साइकिल से नहीं गिरते ऐसे, फिटते हैं वैसे, परेशान बनते हैं। हाथ दिखाना जरा दोनों, लो। हाथ और उल्टे करना हाथ, लो। हाथ पे कोई निशान नहीं, सीधा मुंह पे निशान है, मतलब पिटा है, मतलब पिटा है पक्की बात है। किसने पीटा पता है? हमने कल रात को एक घंटा लगा के है ना गीजर कैसे साफ करे उसकी वीडियो देखी और आज जाके करने वाले थे, देखा गीजर पहले से साफ हो गया। हाँ वही तो, सिंपल तरीका दिखाने वाला हूँ इस गीजर को बिना खोले ही ब्लॉकेज कैसे निकाले। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि हम है ना हार्ट की बाईपास सर्जरी कर रहे हो। ये क्या आज क्या कोई बड़ा वायरस आ रहा वाला है क्या? ये अनिल भाई सम्राट के आपने ऑर्डर नहीं कर रहे थे, मैंने पेंट का काम ले लिया तो थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसलिए मांग रखी है मैंने। तो खुदाई करवा रहे हो आप? कहाँ बिगड़ा सही तो है, ठीक है। दिल्ली से आए बड़े पत्रकार, कैसे हो? ये देखो ये हमारी कॉपी की इसने, ये जो हाल लिखा था मैंने ऐसे लिवाइस लिख दिया है। आपको याद हो सबसे पहले हम जब भीमा कोरेगांव गए थे ना, हम तीन लोग, तब ली थी मैंने। अच्छा क्या बात, अभी तक चल रही है? संभाल के रखता हूँ, मोबाइल संभाल के नहीं रखता बस। जो वॉल्यूम्स आते हैं ना वो सस्ते जरूर होते हैं लेकिन एक बड़ी समस्या क्या होती है उनके साथ पता है आपको? जो बुक्स होती है ना वो पैक आती हैं, जब आप उनको खोलते हो ना तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर की जो बुक्स हैं वो रिपीट हो जाती हैं और वो चीज़ जो है ना वो फाउंडेशन वाले वापस नहीं लेते हैं। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश का सेट पड़ा हुआ है खुला हुआ, तो ये खुला हुआ है और बीच में क्या हुआ था कि जो सेट आया था ना वो उसमें पानी चला गया था, तो ये जो डिफेक्टिव सेट है इसलिए हमने इसको अलग से रख रखा है और ये किसी को भी नहीं दिया है हमने। ऐसे ही है ना ये दो हिंदी के आधे सेट पड़े हुए हैं और बाकी के सेट वो अंदर पड़े हुए हैं, ये हैं और ये हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कुछ किताबें जो हैं किसी गलत पहुंच गई थी तो हमने उनको रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी कुछ किताबें गलत पहुंच गई थी उनको रिप्लेस कर दिया। ऑलमोस्ट हमको है ना बहुत सारा नुकसान होता रहता है लेकिन है ना अगर कोई किताबें आपके पास गलत पहुंच जाती है ना तो हम उनको रिप्लेस कर देते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितनी भी टेंशन है वो हमें लेना है। ये देखो ये दिल्ली से पत्रकार का बैग है, द कवर। क्या चल रहा है? ये बढ़िया बढ़िया, चलो एक दिन के लिए मैं ले जा रहा हूँ उसको टेस्टिंग के लिए। अब मिश्रा जी बोले ना तो ये जरूर बोलना सर द कवर ओनली वीएसपी की कवर। ये तो वैजी पे बोलूँगा मैं तो अब ये हो जाएगा ऐसा, ये पूरा वाइड एंगल दिख रहा है और मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन शूट हो रहा होगा इसका। तो यहाँ माइक लगा हुआ है, दिख रहा है गड्ढा सा। अच्छा, और ये माइक है ना बिल्कुल रोड जैसे माइक जैसा है, क्या रोड कत्ता बड़ा, इसका गड्ढा जरा सा
और वॉइस रिकॉर्डिंग वॉइस कैप्चरिंग वैसे ही करता है यार। तुमने मतलब इसको लेने से पहले बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया, रोड का माइक 30,000 रुपए का और काफी सारा पैसा है जो है। मैं भी सोचता हूँ कई बार कि एक तो पहले छोटा माइक था, फिर बड़ा माइक आया, फिर वो जूम का H1N1 माइक पड़ा हुआ है मेरे पास, उसके बाद कैमरा है, कैमरा के बाद वाइड एंगल लेंस है, वाइड एंगल लेंस के बाद ये वाला कैमरा है, और उसके बाद मोबाइल लिया था रिसेंटली जिससे भी अगर इन केस करना पड़े, और आखिरी में ये आईफोन। और सबका निचोड़ ये आ गया, सबका निचोड़ ये है, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर कुछ भी होता है आईफोन कहीं गिर के टूट गया ठीक है, तो हमारे पास 3-4 सब्स्टिट्यूट हैं और वो ऐसे सब्स्टिट्यूट हैं कि दमदार वाले। लेकिन ये है कि सबको अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आ गया ना कि यार इतना सारा कैरी कैसे करूँगा, कहीं जाऊँगा तो क्या क्या टांगूँगा यार, मैं इतना सारा बैग हुआ क्योंकि मैं न्यूज़ वाला तो हूँ नहीं, तो बस ये पकड़ो आईफोन को और चल दो, आपकी एडिटिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ ये करेगा। तो वैल्यू फॉर मनी तो है, 80,000 का है बहुत तेरी तो। देखो फिर से कचड़ा फेंकने लग गए यहाँ पे, और वो दिख रहा है वो लाल लाल, वो रंग नहीं है, वो गुटखा है, इतना गुटखा कौन खाता है यार। बाहर कचड़े पे एक साइड लाल रंग पड़ा हुआ है, अच्छा देखने तो रंग ही लग रहा है, लेकिन वो इंसान इतना गुटखा कैसे खा सकता है यार, खा के पूरा लाल कर रखा है यार। हाँ पूरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह फोकस, इंसान कहीं घूम फिर के आता और यहीं थूक जाता है। नहीं वो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाला तो नहीं लग रहा मुझे, तो नीचे वाला ही लग रहा है, नीचे वाला ये ऊपर वाला है, वो बचाक बचाक करता रहता है। यहाँ इतनी लालपन है, उसके शरीर के अंदर कितना लालपन होगा। क्या भोगेगा, समझ नहीं आ रहा कि ये मैं इसको ले जा रहा हूँ कि ये मुझे ले जा रहा है। चल रहे हैं। जाने वाला हूँ बाहर और सुबह 5 बजे आएगा ईसू, आएगा पक्का आएगा, मुझे लग नहीं रहा तेरी शक्ल देख के। चल ठीक है देखते हैं। देखो पिछली बार वाली एक टी शर्ट आई थी वो आपने छीन ली थी, इस बार फिर आई है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी फेवरेट है, माय फेवरेट डिजाइन। अच्छा हाँ सही बताओ, हमारे डिजाइन अच्छे लगते हैं आपको? अब मुझे क्या पता किसका कौन सा डिजाइन है, मैं तो एनोनिमसली कमेंट करती हूँ। ये आपको बर्थडे के ऊपर, ये ठीक है, इसके अलावा भी और भी चाहिए? और भी चाहिए हाँ। ब्रूजो का खाना तैयार है, देख रहे हो मस्त लग रहा है ना देखने में। अब खाना खाएंगे, चलो 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 खाना खाएंगे, खाना इट। मुझे लगता है ड्रूल से तो बेटर ये ऑप्शन है, क्यों अच्छा नहीं है, नहीं लगा अच्छा? खाना खाओ जल्दी से। अच्छा वो नींद में था, मुझे पता ही नहीं खाना तैयार हो गया, खा लो खा। मैंने वीडियो में बताया था ब्रूजो डॉग फूड नहीं खा रहा, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि पेट में कीड़े होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको डीवॉर्मिंग करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बट ये है कि अब जो खाना मिल रहा है ना वो ह्यूमन ग्रेड खाना है। ब्रूजो को मैं ना घुमाने ले जाता हूँ ना, तो इतनी खराब जगह है, वहाँ इतना गोबर पड़ा रहता है ना, उसके कारण मेरे पूरे जूते गंदे हो जाते हैं। ब्रूजो के लिए घर बनवा दें छोटा सा। अरे उसमें तो उसके पिल्ले रहेंगे, अभी तो वो खुद रह ले पहले, छोटा सा घर हो, छोटा सा घर हो, उसके अंदर सो जाया करे जाके। यही बना लो, एक दीवार बना लो, यही गेट बना लो, आए ब्रूजो दीवार बन कर आओ, पेंट करवाओ अच्छा सा पेंट। आपको भी सुला देंगे, आप ब्रूजो एक साथ सोना है ना। आपने देखा क्या है इसमें? पता नहीं। अरे नए शूज, अरे लाओ इधर, तू मेरे काम आएंगे। अरे उखड़े हो, गिर गया क्या? गिर गया थे क्या? दोस्तों मेरे बड़े लंबे पैर देखो, क्या क्या जूते लाओ इधर, तो पहनने दो उनको। अरे नहीं नहीं, ठंड के हिसाब से तो सही लग रहे हैं ये। चलो हरन आओ नहाएंगे, चलो नहीं आओ नहीं, चलो आ जाओ। अरे वो बाद में बनाना, चलो पहले नहाएंगे, चलो चलो नहाएंगे। तो की पार्टिंग कर, जल्दी से की पार्टिंग कर दोनों, 1 2 3 दोनों एक साथ की पार्टिंग करो। नहीं की नहीं कर रहे हम, तो फिर नहाने चलो, की पार्टिंग कर जल्दी से। नहीं नहीं, चुप हो, बाय बाय।